प्यारे दोस्तों, आपने परियों की कहानी तो बहुत सुनी होगी, लेकिन हम आपको हकीकत में इस बार परियों का देश दिखाने वाले हैं सच्ची में, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के आखिरी ज़िला चित्राल से सिर्फ 20 किलोमीटर पहले उसकी जानिब ट्रैक फूटता है। बाकी की मालूमात फेस टू फेस ही होगी। तो आपका आसना आपको लेके जा रहा है अब कैलाश वैली, और हम इस टाइम इसके गेटवे पे मौजूद है, जहाँ से है बम्बूर है 18 किलोमीटर, रंबूर है 14 और बरीर है 20 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से हम निकल रहे हैं और आपको दिखाएंगे कैलाश वैली आप कैसे जा सकते हैं। ये इसका गेटवे है, जिसको अयोन वैली भी बोलते हैं, अयोन गाँव भी बोलते हैं। तो इस ट्रैक के ऊपर मुझे सीधा जाना होगा। ठीक है, अब हम अपनी राइड स्टार्ट करते हैं। आपने इस एपिसोड को एंड तक देखना है, क्योंकि ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव है। हम कैलाश की सारी हिस्ट्री, इसकी लोकेशन, इसकी मुकम्मल आपको कंप्लीट ट्रैवल गाइड मिलेगी। ठीक है, तो इस एपिसोड को एंड तक देखिएगा। और ये सीज़न तो आगे चलने वाला है, क्योंकि हमने चित्राल टू गिलगित जाना है। ठीक है, इसके साथ दोस्तों, अगर आपने पाकिस्तान टूरिज़्म को सपोर्ट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर कोई सजेशन या कमेंट करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर अप्रिसिएशन के लिए कीजिएगा, सजेशन भी वैसे दे सकते। तो हम चलते हैं, अपनी राइड करते हैं स्कॉट चार्ली 110 सुजुकी पे। तो लेट्स सी। जी फ्रेंड, आपका आसना आपको लेके जा रहा है आप कैलाश वैली के गांव बम्बूरीत में, और ये है गेटवे जहां से हम दाखिल हो रहे हैं। दोस्तों, आगे मेरे ब्रिज आ रहा है, जो कि दरियाए चित्राल के ऊपर वाकिया है। इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद चेक पोस्ट आएगी, लेकिन हम सबसे पहले सफ़र की दुआ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लज़ी सखरना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन वइन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह, जो लोग सफ़र कर रहे हैं सबका सफ़र अच्छे से तय हो और हमारी राइड भी मज़े वाली हो। चलो चार्ली, हिम्मत रख, शाबाश शाबाश। थोड़ी हाइट है लेकिन परेशान ना हो भाई। वेल डन चार्ली। ये बगात की सरजमीन है, अगर इनको पता चल गया कि चार्ली शोर नहीं लगा पा रही तो मज़ा नहीं आएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में अगर वादिये हुसन की बात की जाए या लोगों के हुसन की बात की जाए, तो सबसे पहले जो ख्याल दिल में आता है वो होता है कैलाश का। और आपका आसना आपको उसी खूबसूरत वैली में लेके जा रहा है और उन खूबसूरत लोगों का दिखाएगा कल्चर। तो ये है भैया ट्रैक, अभी तक जो अयोन वैली से हम क्रॉस कर रहे हैं। ये गांव भी इंतहाई खूबसूरत है। ये है फ्रेंड, हम आ गए हैं अयोन वैली के, अयोन गांव के, यूँ समझ लें मेन बाज़ार में, जिसको न्यू बाज़ार अयोन कहा जाता है। और ये बैंक भी बन गया यहाँ पर, एटीएम भी है पड़ा। वाओ, आप मेन एंट्रेंस आपको मिलेगी यहाँ पर बम्बूरीत रंगूर और बरीर की। और ये नीचे से गुजर रहा है उसका ब्रिज है जो हम क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा, आसाम बाजार बन गया है यार। पिछली दफा जब मैं आया था चिलम जोशी फेस्टिवल पे, उस टाइम तो इतना फुल स्कूल नहीं था, उस टाइम ज़्यादा चहल पहल थी। अभी यार ये देखो कि जब आप फेस्टिवल के अलावा जाते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन है और आप किस तरह एंजॉय कर सकते हैं।
दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कैलाश वैली के हैं तीन गांव। अब देखें बम्बूरीत और रंबूर के लिए ये ट्रैक है, और बम्बूरीत यहाँ से है 15 किलोमीटर पे, रंबूर है 11 किलोमीटर पे। लेकिन जो दोस्त बरीर जाना चाहें तो बरीर के लिए ये ट्रैक है, ये वाला जो सीधा जा रहा है बरीर के लिए। और आपको पता है बरीर यहाँ से कितना है? जी मैं आपको बता दूँ, 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है बरीर गाँव। ये सीधा बरीर जाएगा और जो दो गांव कैलाश के हैं वो इधर को जाएंगे। हाँ डियर फ्रेंड, ये है ट्रैक बम्बूरीत जाने के लिए जिस पे हम जा रहे हैं। आगे से पथरीला भी हो जाता है, नीचे से पत्थर जो है नोकीले भी हैं और कुछ पैचेस साफ भी आते हैं। अभी हमें आधा घंटा हो गया है अयोन से निकले हुए। जो ख़ास बात है अब तक मैंने देखी, एक तो ये है कि तुखमीर की जो चोटी है बिल्कुल वो सामने है, जो मैं आपको बता चुका हूँ के हिंदू कश माउंटेन की सबसे बुलंद वाला चोटी ये मेरे सामने है भैया, जिसे जिसकी जो हाइट है वो है 25,299 फीट। और इसके साथ है ये अयोन गांव का ऊपर से व्यू, आप इसको ड्रोन शॉट कह लें या जो समझ लें, ठीक है। इंतहाई खूबसूरत ये दलवान वाले इनकी छतें हैं तकोनी, और उसकी वजह यह कि जब बर्फ़बारी हो या बारिश हो तो वो पानी या बर्फ़ नीचे बह जाए। और ऊपर से है हिंदू कश के खुश्क हैं लेकिन खूबसूरती में कमाल रखते हैं। ये हैं इसके माउंटेन, और चलते हैं जी इस किस्म के रास्ते में घर आते हैं जो मैं करने होंगे क्रॉस। चलते हैं अपनी राइड करते हैं स्टार्ट। ये है डियर फ्रेंड्स ट्रैक जिसको आप देख रहे हैं, हम इस पे जा रहे हैं तकरीबन 20 से 25 की स्पीड में बाइक पर। आपको याद होगा 2022 में मैं आया था अपनी विड्स गाड़ी पे, लेकिन इस दफ़ा सोचा कि क्यों ना हम अपनी चार्ली बाइक पर देखने जाएं कैलाश, जिसके हुसन घाट कोई सान ही नहीं। और जो तखमीर की चोटी है वो अभी भी मेरा दिल लुभा रही है, मैं जो भी टर्न लेता हूँ तो सबसे पहले इसको ढूंढता हूँ क्या ये मेरी आँखों के सामने है या नहीं, क्योंकि जब आंखों के सामने हो तो आंखों को देती है ये ठंडक और दिल को देती है सकून। वैसे तो दोस्तों ये सारा इलाका ही इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत सारा पसमानदा है, लेकिन वहीं पर दूसरी जानेब खूबसूरती के एतबार से इस वादी को हुसन की देवी और बागात की सरजमीन भी बोला जाता है। यहाँ के लोग चित्राली रिवायात के मुताबिक इनकी मेहमान नवाजी का कोई सानी नहीं। जो दरख्त है दोस्तों, इनमें सबसे ज़्यादा फलदार दरख्त है जिसमें हंदार है, अखरोट भी है यहाँ पर, और एप्पल भी मिलेगा। और यहाँ पर देखें पत्थरों का कलर भी चेंज हो गया और काफ़ी नोकीले हो गए हैं। मैं यहाँ रुक के इसका थोड़ा सा मज़ा लेता हूँ। हाँ ये देख रहे हैं मैं इस, हाँ ऊपर से ये रूफ मतलब छत बनी हुई है छतनुमा, और मैं इस साए में खड़ा हूँ क्योंकि गर्मी की जो शिद्दत है वो थोड़ी सी महसूस हो रही है। ये देख रहे हैं ये भी गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पर शहजादी गाड़ियाँ इस ट्रैक की समझी जाती हैं जो गुजरी है अभी। यहाँ पर तो दोस्तों कमाल ही हो गया, जो पहाड़ है बिल्कुल मेरे सर के ऊपर मतलब छत का मंज़र पेश कर रहा है। और इससे जो बात मेरी समझ में आती है भैया, छोटी गाड़ी यहाँ पर लेकर आना बहुत बड़ी हाइट वाली गाड़ी ना हो, लेकिन जो गाड़ी लेकर आए वो नीचे से थोड़ी सी ऊपर हो, मतलब नीचे नोकीले पत्थरों से बच सके। हाँ दोस्तों बम्बूरीत से पहले ही हाइड्रो पावर प्लांट आता है जिसका एक दिया हुआ है SRSP। अब SRSP क्या है? सरहद रूरल कोड प्रोग्राम।
इसकी खास जो बात है जिस वजह से मैं आपको दिखाने के लिए रुका हूँ, ना सिर्फ आयोन वैली में बल्कि इस बम्बोरीत में, रंबूर में, ये जो हाइड्रो पावर प्लांट है यही बिजली की सप्लाई देता है। तो मैं इसका बैक व्यू आपको दिखाता हूँ, उसके बाद हम निकलते हैं बम्बोरीत के लिए, जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार है। ठीक है, तो लेट्स सी। ये है दोस्तों एंट्री पॉइंट, यहाँ पर आपका आईडी कार्ड लिया जाता है और आगे यदि एहतियात बरतें आगे तंगफुल और ख़तरनाक तंग रोड है और कुछ सेक्शन दी गई है। आगे यही है पुल जहाँ से आपकी 4x4 ने गुजरना है, कार ने गुजरना है और हमारी चार्ली ने भी यहीं से गुजरना है भैया। दोस्तों मेरे सामने ये आ गया है पॉइंट, ये है आपका एंट्री गेट जहाँ से एक रास्ता फूकता है रंबूर के लिए। ये जो मेरे हाथ आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये है रंबूर साइड पे जाता है जो कर इसका फासला है 8 किलोमीटर। उसके साथ है मेरी बैक साइड, ये है बम्बोरीत जाता है जिसका अभी फासला है 12 किलोमीटर। तो इसका मतलब है अभी हमने 6 किलोमीटर ही फासला तय किया है। यहाँ पर अब हम अपना आईडी कार्ड देंगे, वो कुछ वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद हम निकलते हैं बम्बोरीत के लिए। सर इसमें तो कोई शक नहीं, यहाँ का ट्रैक बहुत मेरे लिए मुश्किल और दुश्वार गुजार हो रहा है, क्योंकि एक तरफ तो बिल्कुल छोटा ट्रैक है जबकि दूसरी जाने बड़े नोकीले से पत्थर हैं। साथ में भैया क्रॉसिंग करना बाइक से भी मुझे मुश्किल हो रहा है, मतलब बाइक मुझे रोकना पड़ रहा है फिर कुछ गाड़ी गुजर सकती है। इतना छोटा ट्रैक और ऊपर से भैया डस्ट ही डस्ट, मतलब जो गाड़ी गुजरती है वो सारी डस्ट हमारे ऊपर ही गिरा कर जाती है। पाकिस्तान टूरिज्म मेरे चैनल की हौसला अफजाई करने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि थोड़ी सी दोस्ती तो बनती है। ये है दोस्तों कैलाश वैली में दाखिल होने से पहले ही आपके रास्ते में इस किस्म के घर, साथ में नोकीले पत्थरों से बनी हुई दीवारें, एक तरफ लकड़ी के फट्टे या लकड़ियों के सहने रख के इन्होंने वॉल बनाई हुई है, साथ में लकड़ी के घर और ऊपर जो आप देख रहे हैं ये सारे फलदार हैं पौधे और नीचे से है खतरनाक ट्रैक भैया, स्विसरी ट्रैक। दो घंटे मुझे लगे आयोन वैली से बम्बोरीत पहुंचते हुए, लेकिन चंद बातें जो इस ट्रैक ने मुझे अच्छे से समझा दी कि भैया दो लोग और एक बाइक काम नहीं चलेगा, मतलब हर की अपनी अलग से बाइक होनी चाहिए। और इसके साथ बेहतर है दोस्तों अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो वो अयोन गांव में ही पार्क कर दें और वहाँ से जीप पर ये सफ़र करें, और साथ में पानी की बोतल लाजमी रखें। बाकी फेस्टिवल के अलावा यहाँ पर होटल और खाने पीने की क्या सहूलियात हैं, और इस परियों के देश में सकाफत तहजीब के क्या रंग हैं
ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। जी तो फ्रेंड, कैलाश वैली में बम्बोरीत जो सबसे बड़ा कैलाशियों का गांव है वहां पर हम आए हैं, और आपको बताया था सबसे पहला टास्क क्या है जी, रूम लिया जाए। तो ये जी है आमिर साहब जो हमें अकोमोडेट कर रहे हैं, और ये है रूम हमें दो लोग। ये तीन बेड इसमें लगे हुए हैं, टोटल लकड़ी का काम हुआ है जिसकी वजह से ख़ास किस्म की स्मेल आती है, और वो है लकड़ी की, बिहार की लकड़ी से बीच में काम हुआ हुआ है। नीचे से कालीन है, अच्छा लग रहा है छोटा सा। अब आ जाती है आपको वाशरूम की बारी, वाशरूम भी आपको दिखा देता हूँ, अटैच ही है। ये है इसके साथ वाशरूम, ये हैंगर इसका लगा हुआ है, और लाइट का इशू है जी। लाइट यहाँ पर शाम को ही आती है, दिन में लाइट नहीं होती, ये एक ड्रॉबैक है। और इसका जो फेयर बता रहे हैं आमिर साहब वो 2000 है इस रूम का। एक्चुअली ये जब फेस्टिवल होता है तो उस टाइम तो हाँ इसका फेयर बढ़ जाता है क्योंकि ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं, लेकिन क्योंकि अब ऑफ सीज़न कह लें फेस्टिवल का, फेस्टिवल अब नहीं है, तो इस वजह से ये अब इसका ये रेंट है। तो फ़िलहाल तो भैया बेल आइकन आप प्रेस कर लें ताकि इस सीज़न की हर एपिसोड आपको बआसानी मिलती रहे। तो मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।